महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले और 10,000 पद नए भर्ती करने की घोषणा की थी। तो सर वो अगर जल्दी होंगे तो हम सारे काम आम जनता को सारे काम चल रहे हैं। 10,000 की घोषणा की तो पूरी होगी वो भी आवेदन ले। और हमारे तो अध्यक्ष जी जब शिक्षा मंत्री थे तभी पहली बार इंग्लिश स्कूलें खुली राजस्थान के अंदर, पूरे देश के सब राज्यों को रास्ता दिखाया हम लोगों ने। हाँ बिल्कुल नहीं पहले सर, और पहल ऐसी है जो आने वाले 10-15 साल के बाद देखेंगे। अब यहाँ के बच्चे जो है इतना कॉन्फिडेंस पैदा होगा उनके अंदर, वो चाहे दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका कहीं जाएंगे, आप देखेंगे आईटी के सेक्टर आज तो इतना बढ़ गया है, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। और आज हमने जो एक स्कीम एक और लागू करी है जो बच्चों को भेजने के विदेश में, आज गरीब का बच्चा जा नहीं सकता था पहले, अब हमने पहले 200 थी अब 500 संख्या कर दी। 500 बच्चे राजस्थान के जाएंगे, चाहे इंग्लैंड में जाओ चाहे अमेरिका जाओ पढ़ने के लिए। पूरा खर्चा सरकार दे रही है, आने जाने का किराया, रहने की व्यवस्था वहाँ पर, और फीस वहाँ की कॉलेज की। क्यों दी जा रही है? इसलिए राजस्थान के बच्चों को जब आने वाले वक्त में तो एक्सपोजर होगा दुनिया के मुल्कों के विश्वविद्यालयों का, तो अमीरों के बच्चे जा रहे हैं अभी तक, तो अब मध्यम क्लास हो चाहे मिडिल क्लास हो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मेडिकल पर जाएंगे तो जो ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, मानव संसाधन बनेगा, वो यहाँ का बनेगा राजस्थान का, वो काम राजस्थान वासियों के लिए आएगा, प्रदेश के लिए आएगा। लंबी सोच के साथ में हम लोगों ने फैसला किया है, फैसले में कभी रखी नहीं है। अब तो मैं अपील करूँगा मीडिया वालों से भी, आप सबसे, हमारे फैसलों को आपसे मेरा आग्रह है, जो महात्मा गांधी ने कहा था अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाओ, तो हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है, मीडिया वालों की जिम्मेवारी है, आम लोगों की जिम्मेवारी है। अभी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले और 10,000 पद नए भर्ती करने की घोषणा की थी, तो सर वो अगर जल्दी होंगे तो हम सारे काम आम जनता को सारे काम चल रहे हैं। 10,000 की घोषणा की तो पूरी होगी वो भी आवेदन ले ली। और हमारे तो अध्यक्ष जी जब शिक्षा मंत्री थे तभी पहली बार इंग्लिश स्कूलें खुली राजस्थान के अंदर, पूरे देश के सब राज्यों को रास्ता दिखाया हम लोगों ने। हाँ बिल्कुल नहीं पहले सर, और पहल ऐसी है जो आने वाले 10-15 साल के बाद देखेंगे। अब यहाँ के बच्चे जो है इतना कॉन्फिडेंस पैदा होगा उनके अंदर, वो चाहे दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका कहीं जाएंगे, आप देखेंगे आईटी के सेक्टर आज तो इतना बढ़ गया है, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। और आज हमने जो एक स्कीम एक और लागू करी है जो बच्चों को भेजने के विदेश में, आज गरीब का बच्चा जा नहीं सकता था पहले, अब हमने पहले 200 थी अब 500 संख्या कर दी। 500 बच्चे राजस्थान के जाएंगे, चाहे इंग्लैंड में जाओ चाहे अमेरिका जाओ पढ़ने के लिए। पूरा खर्चा सरकार दे रही है, आने जाने का किराया, रहने की व्यवस्था वहाँ पर, और फीस वहाँ की कॉलेज की। क्यों दी जा रही है? इसलिए राजस्थान के बच्चों को जब आने वाले वक्त में तो एक्सपोजर होगा दुनिया के मुल्कों के विश्वविद्यालयों का,